देखिए ये पराठा कितना अच्छा लग रहा है। आप इसमें बच्चों के लिए चीज भी डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, कुछ भी आप अपने इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। और ये चटनी, हरी चटनी और सॉस के साथ, दही के साथ, किसी के साथ भी, अचार के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। मेरे चैनल इलायची किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, इलायची किचन में आपका स्वागत है। आज हम लेफ्ट ओवर दाल चावल के पराठे बनाएंगे। लेफ्ट ओवर दाल चावल के पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं, तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1.5 कप आटा लिया है मैंने गेहूं का, फाइन चॉप प्याज, लेफ्ट ओवर दाल चावल, कुछ मसाले हैं। दाल चावल दाल बनी हुई रहती है, इसमें मसाले ऑलरेडी रहते हैं, फिर भी थोड़े से मसाले हम ऊपर से डालेंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब इसके लिए आटा लगाते हैं। मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हरा धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, अब ये दाल है लेफ्ट ओवर, इसको हम आटे में डालकर गूंधेंगे। आटे के लिए सॉफ्ट डो ही लगता है, ज्यादा टाइट डो नहीं लगता है आटे के लिए। थोड़ा थोड़ा दाल डालकर आटे को गूंथे। अब थोड़ा सा जरूरत लगेगी तो हम पानी डालेंगे। चलिए थोड़ा सा पानी की जरूरत है, थोड़ा सा पानी डालेगा इसमें। दाल में ऑलरेडी मसाला होता है, तो आटे में हमने थोड़ा सा ही मसाला डाला है। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक हम चावल के लिए स्टफिंग बना देते हैं। ये चावल है, पहले इसको थोड़ा सा हाथ से हम मसल लेते हैं, ताकि पराठे बनाते समय चावल बिखरे नहीं और पराठा टूटे नहीं। आइए अब इसमें मसाले डालते हैं। थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, चावल में पहले ही नमक डाला रहता है तो नमक थोड़ा सा देख के डालिए। थोड़ा सा जीरा, खड़ा जीरा कच्चा ही लिया है मैंने, थोड़ी हरी मिर्ची, यदि आप खाना पसंद करते हैं तो अपने स्वाद के हिसाब से हरी मिर्ची, थोड़ी सी काली मिर्ची और 1/4 चम्मच चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा। अब लास्ट में चॉप्ड प्याज, इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। चलिए
लिया यह चावल, लेफ्ट और चावल में मसाला डाल के अपने पराठे की स्टफिंग तैयार कर ली है। अब पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने मीडियम साइज की लोई ले ली है। अब आइए पराठे को बेलते हैं। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा स्टफिंग भर सकते हैं। यह कंप्लीट फूड हो जाता है, दाल चावल। आप इसमें चाहें तो सब्जी भी मिला सकते हैं, गाजर मिला सकते हैं, मटर मिला सकते हैं। देखिए पूरा अच्छी तरह से इसको लोई को बंद कर देना है, नहीं तो पराठा सेकते समय खुल सकता है। अब पराठे को आसपास से थोड़ा सा किनारे किनारे से हल्का सा दबा दें ताकि पराठा फटे नहीं बेलते समय। बहुत ही सावधानी से बेलें ताकि अंदर जो हमने स्टफिंग भरी है वो निकले नहीं। चलिए मैंने तवा पहले ही गरम रख दिया है, तवा गरम हो गया है, पराठा डालते हैं। देखिए ये पराठा कितना अच्छा लग रहा है। आप इसमें बच्चों के लिए चीज भी डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, कुछ भी आप अपने इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। और यह चटनी, हरी चटनी और सॉस के साथ, दही के साथ, किसी के साथ भी, अचार के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। आपको यह मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। मेरे चैनल इलायची किचन को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।